सो चलिए आज लंच में बना रहे हैं बहुत ही आसान सी सब्जी, पर बहुत टेस्टी सब्जी की मजा आ जाएगा। तो हम यहाँ पे हमने एक चम्मच तेल डाला है, अब हम डालेंगे 1 टीस्पून क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा, हींग एसाफोइटिडा ये ऑप्शनल है, फिर हम डालेंगे तेज पत्ता यानी कि बे लीफ ये भी ऑप्शनल है, और फिर 2 ड्राई रेड चिली यानी कि खड़ी लाल मिर्च ये भी ऑप्शनल है, और ये देखिए यहाँ पे इलायची कार्डमम। आप सभी का स्वागत है जायका का तड़का में। हम आपको बता रहे हैं एक बहुत ही आसान सब्जी उन दिनों के लिए जब आपके पास घर में वेजिटेबल्स यानी कि टमाटर भी नहीं हो और कोई सब्जी नहीं हो तो क्या बनाए फटाफट, आज की परफेक्ट रेसिपी है। अब हम डालेंगे यहाँ पे जिंजर, अदरक और हरी मिर्च कटी हुई, बारीक कटी हुई, 1 टीस्पून हमने यहाँ पे डाला है। और अब आ रही है ये देखिए, यहाँ पे हमने प्याज को अनियन को डाइस कर लिया है, आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे 2 बड़े अनियन डाइस कर लिए हैं, ऐसे बड़े बड़े काट लिए हैं, तो आप भी काट लीजिए। आप अनियन को किसी भी शेप में काट सकते हैं, पर हम आज बना रहे हैं मलाई दो प्याजा यानी कि मलाई प्याज की सब्जी। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, इजीली अवेलेबल इंग्रेडिएंट के संग है और 5 मिनट में बन जाती है। देखिए स्लो फ्लेम पे हमने, स्लो से मीडियम फ्लेम पे हमने इसको ढक के रख दिया है। तो ये है मलाई दो प्याजा, ये मॉम की रेसिपी है जिससे आज हम बना रहे हैं। अभी घर में टमाटर भी नहीं है तो आज लंच के लिए क्विकली कोई सब्जी बनानी थी तो आज हमने मॉम की रेसिपी रेफर करी, और जायका का तड़का में अब हम बना रहे हैं मलाई दो प्याजा, मलाई प्याज की सब्जी। बहुत टेस्टी लगती है गर्मा गर्म फुलकों के संग और खाने में भी मजा आ जाता है। और अब हम इसमें डालेंगे मसाले, हल्दी, पिंच ऑफ हल्दी डाला है हमने, कश्मीरी लाल मिर्च या फिर लाल मिर्ची 1/2 टीस्पून से 1 टीस्पून आपके हिसाब से, आपको ज़्यादा स्पाइसी बनानी है तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून, और फिर रोस्टेड क्यूमिन पाउडर यानी कि भुना हुआ जीरा ऑप्शनल है, और सॉल्ट एज पर टेस्ट। हम भी ट्राई कर रहे हैं, देखिए इस लॉकडाउन ने ये तो कम से कम इंश्योर कर दिया है कि सब लोगों को घर में अब इजी से रेसिपीज बनानी आ गई हैं, एंड थैंक्स टू ऑल दीज वंडरफुल मॉम्स एंड माय मॉम, जायका का तड़का की वजह से आज हम भी यहाँ पे कुकिंग कर पा रहे हैं, होम कुकिंग हो गया है बहुत आसान। अगर आप जायका का तड़का देखेंगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी ज़रूर बताइएगा जायका का तड़का के बारे में, क्योंकि जो दिखता है वही बनता है जायका का तड़का में। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। सिर्फ 2 मेन इंग्रेडिएंट हैं जिससे आज हम ये रेसिपी बना रहे हैं, प्याज और मलाई से। तो देखिए कितना आसान है, प्याज मलाई हमेशा होती है घर में तो आप फटाफट बना सकते हैं। मतलब है कोई रीटेक नहीं है, कोई रीशूट नहीं है, जो आपके सामने बन रहा है गारंटीड आपकी रेसिपी भी ऐसी ही बनेगी फर्स्ट टाइम में। तो देखिए अब यहाँ पे हम मलाई डालेंगे, ये जो दूध की मलाई होती है ना, फ्रेश दूध की मलाई हमने वही ली है यहाँ पे, और वो हम डाल रहे हैं। और देखिए तड़ा आपकी मलाई दो प्याजा ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। मॉम ने इसमें टमाटर भी डाला था बट हम टमाटर नहीं है तो इसलिए अब हम इसका रिप्लेसमेंट डालेंगे। ये थोड़ा सा हल्का सा गरम मसाला ऑप्शनल है। अब हम डालेंगे इसमें टमाटर की जगह अमचूर पाउडर खटाई के लिए यानी कि ड्राई मैंगो पाउडर 1/2 टीस्पून डाला है खटाई के लिए। टमाटर है तो आप टमाटर भी डाल सकते हैं ऐसे ही डाइस करके, जैसे आपने प्याज को डाला है उस वक्त, आप प्याज जब सिक जाए उसके बाद आप टमाटर डाल सकते हैं। तो देखिए बन गई है आपकी मलाई दो प्याजा की रेसिपी, बहुत ही सिंपल है। लास्ट इंग्रेडिएंट जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और वो है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है, अगर आपके पास धनिया पत्ती हो तो धनिया पत्ती भी डाल दीजिएगा, बहुत टेस्टी लगता है। यहाँ पे हमने कसूरी मेथी ऐड करी है,
आप बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए। अगर अच्छी लगे रेसिपी तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। गर्मा गर्म मलाई दो प्याजा 5 मिनट में आपके लिए रेडी है। जो दिखता है वो ही बनता है जायका का तड़का में। मिलेंगे दोबारा। बाय बाय एवरीवन।